ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शाम के 5 बज चुके हैं। आपको बता दें, लगातार आज मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसके बाद भी हम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट देश की तस्वीर बदल सकता है। तो आज हम तीसरे चरण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और साथ ही साथ चौथे चरण पर भी रुख करेंगे, क्योंकि चौथा चरण बेहद महत्वपूर्ण है। कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, इटावा जैसी कई महत्वपूर्ण सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां पर जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही इस चौथे चरण के लिए, चाहे वो आलाकमान हो, चाहे बीजेपी का आलाकमान हो, चाहे वो विपक्ष हो, सभी एकजुट होकर कोशिश कर रहा है कि इस चौथे चरण को किस तरीके से अपने पाले में लाना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जीत प्रताप हैं मैनपुरी से, आपका स्वागत है। साथ ही प्रमोद हैं जो हमें इटावा की जानकारी देंगे। जीत जीत सबसे पहले जीत आपके पास जाना चाहूंगी, क्योंकि आज मैनपुरी में चुनाव है। हमने अखिलेश यादव, डिंपल यादव की तस्वीरें भी देखी जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकले। किस तरीके का माहौल मैनपुरी में देखा जा रहा है? लोग जागरूक हैं मतदान के लिए? कि मैनपुरी में लगातार मतदाता वोट डालने जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण जो दोपहर में वोटिंग परसेंट कम रहा है, लेकिन शाम के टाइम अब वोटिंग लगभग 3 बजे का वोटिंग परसेंट है, 47% 74% वो वोटिंग कर चुका है लगभग। अब लगभग शाम को है तो यहाँ पर मतदान केंद्र भी है, केंद्र में लगातार अब भीड़ बढ़ रही है। जी जी, देखिए हमने कई जगह तस्वीरें देखी जहां पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, पूरे पूरे गांव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि डेवलपमेंट के चलते सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, किसी को कोई समस्या है, इसलिए उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने से ही इनकार कर दिया है। क्या इस तरीके की कोई खबरें मैनपुरी से भी? जी बिल्कुल सौम्या, अभी ऐसी कोई खबर यहाँ पे ऐसी नहीं है जो किसी मतदान का किया, वो अपना मत का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जो 4 विधानसभा है, 1 लोकसभा है, लगातार वोटिंग परसेंट चल रहा है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिस गांव में कोई अपना मतदाता अपने वोट नहीं डालने गया हो। बिल्कुल जी, जेके मैनपुरी एक ऐसी सीट है जहाँ से एक मंत्री है जो चुनावी मैदान में है, जयवीर सिंह ठाकुर, और 28 साल के इस किले को भेदने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने एक नारा भी दिया इस बार कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और साथ ही साथ वो चैलेंजेस भी जो मैनपुरी में आए उनके सामने, उसको भी उन्होंने बखूबी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुश्किलें हैं, जनता के मन में हमें बसना है, इसकी भी हमने पुरजोर कोशिश की है। और जिस तरीके से हमने ताबड़तोड़ रैलियां भी देखी आलाकमान की, बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी से नेता यहाँ पर उतरे, उसके सामने शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव तीनों ने ही कोशिश की, बेहद कोशिश की। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? जी बिल्कुल सौम्या, हम आपको बता दें जो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह है, तो वही लगातार उनके ठाकुर जो प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मैनपुरी रोड शो किया है, तो वही जहाँ पीएम की बात करी है तो पीएम भी यहाँ पर जनसभा की है। तो लगातार भाजपा इस बार जो मैनपुरी की सपा का गढ़ कहा जाता है, वो इस बार ढाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर बात करी है सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की, वो भी लगातार यहाँ पर जो अखिलेश यादव है वो भी रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं लगातार, और डिंपल की जो बेटी है अत्ती यादव, वो भी लगातार गांव-गांव जाकर जनसभा कर रही है, वोटों की अपील कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लगभग 28 साले हो गई है मैनपुरी में, अभी तक केवल सपा का ही परचम लहराया, लेकिन इस बार जो यहाँ पर जो एक गद्दावर नेता है ठाकुर जयवीर सिंह है, वो किला ढाने की बात भी कर रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं कि मैनपुरी में उनकी जीत हो, लेकिन मैनपुरी को यादव लैंड कहा जाता है, और पिछले अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो कहा गया कि मुलायम सिंह का निधन हुआ था हाल ही में, इसलिए डिंपल यादव को सहानुभूति वाले वोट मिले हैं, लेकिन इस बार उस बात को समय हो चुका है। क्या इस बार डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित पब्लिक कर रही है, जनता कर रही है, और जो सहानुभूति वाली बात कही जा रही थी, इस बार भी क्या देखी जा रही है?
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जी कि अभी 2021 में हालांकि उपचुनाव हुआ था जहां पर नेताजी के निधन के बाद, तो वही उनका लगभग जीत हुई थी 2,85,000 वोटों से, उनके मतों से जिताया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी है ठाकुर जैविस, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैनपुरी में जो नेताजी के निधन को लेकर जो सहानुभूति में वोट दिया गया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि जनता अब जनादन चाह रही है कि मैनपुरी की सीट कहीं ना कहीं बदली जाए। लेकिन अगर यादव, यहाँ का जो बाहुबल समझ लगे, यादव लगभग यहाँ पे 4,85,000 है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि मैनपुरी एक यादव बेल्ट है जो यहाँ पर जो हमेशा यादवों का ही गढ़ रहा है, मैनपुरी यादव का गढ़ भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार देखने वाली बात ये होगी, जो गद्दावर नेता है भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने जहां से जो भी सीट लड़ी है उसका किला ढाने का काम किया है। कि मैनपुरी में जो पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो ठाकुर जैविक सिंह ने विधानसभा चुनाव में जीते थे, जो यहाँ के विधायक थे राजकुमार यादव, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो भाई अब उन्होंने फिर दावा किया है कि 2024 के चुनाव को लेकर कि लगातार यहाँ पर वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल, जयवीर सिंह ठाकुर ने कहा है कि जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं ये उनका इतिहास है कि सामने वाली पार्टी को शिकस्त जरूर देते हैं, इसीलिए उनको शायद इस बार विश्वास है कि मैनपुरी में वो डिंपल यादव को बड़े अंतर से हराएंगे और जनता उनके साथ है। हालांकि मैनपुरी में यादव बेल्ट बहुत ज्यादा है, यादवों के बाद वहां पर राजपूत वोट, शाक्य वोट और ब्राह्मण वोट आता है, और यादव कितना इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है ये तो नतीजे आने के बाद ही तय होगा। साथ ही साथ आज जो वोटिंग प्रतिशत जो अंतिम रूप लेगा मैनपुरी में, उससे भी कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होगी कि ये जो वोट पड़ा है वो किसके खाते में गया है, ये भी अनुमान लगातार लगाया जाने लगेगा। हमारे साथ इटावा से प्रमोद भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, देखिए आपके जो जिले का नंबर है वो अगला है, चौथे चरण में इटावा में चुनाव है, किस तरीके की तैयारियां की जा रही है, क्या किलेबंदी की जा रही है कि इस बार इटावा में अच्छा प्रदर्शन कर सके बीजेपी, और क्या गठबंधन की तैयारी है? जिस तरीके से चौथे चरण में 13 मई है वहाँ इटावा का मतलब की मतदान होना है, उसी को लेकर के आज जो मेंबरी लोकसभा है वहाँ पे जो नगर जो विधानसभा है वहाँ पर भी इलेक्शन का मतदान हुआ है, जहाँ पर पूरे परिवार ने आकर के वोट डाला है, और उन्होंने प्रोफेसर जो रामगोपाल जी है राष्ट्रीय महासचिव, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि राम राम की बात करने वाले जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनके ऊपर मतलब कि एक तरीके से हावी होकर के उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं भी तो हूँ, कि मैं भी तो हर रोज मतलब हर किसी इंसान से राम राम करता हूँ, तो राम का नाम को लेकर के वोट क्यों मांगते हैं, ऐसा उन्होंने मुद्दा बना रखा है। जिस तरीके से अगर इटावा की अगर बात की जाए तो चौथे चरण में जो मतदान यहाँ पर होना है उसी को लेकर के इटावा में जोरों शोरों से अभी प्रचार प्रसार बीजेपी का चल रहा है, वही इंडिया जो गठबंधन की अगर बात की जाए तो उनका भी प्रचार चल रहा है। पर जो अभी आपके द्वारा एक बात सामने निकल के आई कि कहीं जाकर के बहिष्कार जैसी जो चीजें सामने आती है कि हम मतदान नहीं करेंगे, पर आखिर वो मतदान नहीं करेंगे उनके पीछे समस्या बहुत गहरी होती है, जो कि जो प्रत्याशी नेता होते हैं वो जब बोर्ड का नंबर आता है, एक कहावत बनी है कि दो चरणों में आपकी बार होगा मतदान, तो पहले चरण में नेता होंगे आपके चरणों में और दूसरे चरण में आप कब्जों में होंगे, वही कहावत यहाँ बनी हुई है। जब गरीब जनता की या वोटर की जब कोई समस्या होती है तो वो प्रत्याशी वो नेता उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचता और उनकी जन समस्याओं को नहीं सुनता है, क्योंकि या वो उनके रोड की अगर बात की जाए या उनकी कई योजनाओं की अगर बात की जाए तो उनको लाभ नहीं पहुंचता। यही हालात इटावा जनपद के बने हुए हैं, जहां पर कुछ ऐसे जो मार्ग हैं जहाँ की रोडें बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं, क्योंकि अखिलेश सरकार में जब थी तब रोडें बेहतर थी, पर अब कुछ जाकर के रोड है कुछ बेकार हो रही है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं यहाँ पर बीजेपी सपा के घर में बीजेपी का डंका बजते हुए। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर बीते 10 सालों से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार विजयी हो रहे, जनता उन पर विश्वास जता रही है। इस बार अगर हम बात करें, अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन भरा, उसके बाद से उनकी पूरी पैनी नजर थी मैनपुरी
कन्नौज और इटावा सीट पर। वो चाहते हैं कि जो आसपास में जो यादवों की पुरानी बेल्ट थी, यानी कि जहां पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का गढ़ था, हम इस पर बात करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा से बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बदायूं में पुल शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, चुनाव आयोग में शिकायत भी की है शिवपाल सिंह यादव ने। ऐसे में उन्होंने बदायूं के मामले को लेकर के ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि मनमानी की जा रही है। महासचिव समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान बदायूं में, जिस तरीके से सात बीएलओ से पर्चा छीन लिया गया, और उन्होंने कहा कि लोगों को वोट डालने से बदायूं में रोका जा रहा है, बीएलओ से वोटर लिस्ट क्यों छीनी गई। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि दबंगई के साथ चुनावों में हमें शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत भी की है। इटावा से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद, देखिए आपने सुना कि जो शिवपाल सिंह यादव है वो उन्होंने मुखरता के साथ, क्योंकि बदायूं में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सात बीएलओ से एसएचओ ने उनकी लिस्ट छीन ली है, और उन्होंने आरोप लगाया शिवपाल सिंह यादव ने कि वोट देने से रोका जा रहा है, जो ये पूरा प्रशासन तंत्र है ये एक तरफा होकर एक पार्टी विशेष को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें ना हो इसके लिए प्रशासन कितना मुस्तैद दिख रहा है इटावा में। की जाए या आज की जो मैनपुरी लोकसभा का जो छतरी में जो मतदान चल रहा है उसमें भी कई ऐसे तथ्य देखे गए हैं जो कि अपना वोट देने के बाद में जो उनके उंगली पर इंक लगाई जाती है वो अपनी हटा करके दूसरी बार जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर के तीन चार व्यक्तियों को उन्होंने पुलिस के द्वारा थाने पर भेजा गया है, जबकि उन रूप अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी बात सामने नहीं निकल के आई है। पर अगर बदायूं की अगर जो बीएलओ वाली जो बात सामने आ रही है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रशासन के तौर पर अगर कोई बात ऐसी होगी तभी उनके द्वारा ऐसी हरकतें की गई होंगी। पर रही बात इटावा में, तो इटावा में आज तक के इतिहास में अभी तक की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया है। हाँ, जो बैलेट पेपर वो होते थे उस समय तो वहां तो कुछ शिकायतें आती थी, किसी ने पानी डाल दिया गया या किसी ने इंक फेंक दी इस तरीके की। जब से ईवीएम मशीन जैसी जो उनकी सेवाएं जो उपलब्ध हो रही हैं उसके द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी मामला इटावा जनपद में नहीं देखा है। जी प्रभु, मेरा इस खबर से पहले मेरा जो सवाल था उस पर वापस लौटते हैं कि अखिलेश यादव इसमें अपनी पूरी पैनी नजर बनाए, वो चाहते हैं कि जो सीटें हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही, कब्जे में रही, उनको दोबारा से इस बार छीना जाए बीजेपी से, जहां पर बीजेपी ने 2014 और 19 में कब्जा कर लिया है। उसमें से एक सीट इटावा की भी आती है, जब हम देखते थे कि इटावा में भी समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा गढ़ था और लोग समाजवादी पार्टी को ही पसंद करते थे, लेकिन हम बीते चुनावों से देख रहे हैं कि वहां पर बीजेपी लगातार जीत रही है। इस बार अखिलेश यादव मैनपुरी, कन्नौज, इटावा जैसी सीटों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, इसके बाद क्या लग रहा है कि पर्दा किसका भारी है? इटावा जनपद की अगर बात की जाए या वो अन्य किसी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मैनपुरी है, कन्नौज है, इटावा है, ये सीटें अखिलेश जी के लिए खास हो सकती है। पर अखिलेश जी को भी कहीं ना कहीं कन्नौज से खड़े होने में तो कुछ ही अड़चन सी समझ में आ रही थी। अब ईश्वर जाने की उनके अंदर क्या हो रहा था। पर अगर इटावा की बात की जाए या मैनपुरी की या कन्नौज की, तो पहले जो मुलायम सिंह जो यादव जी थे उनके द्वारा आम जनता उनसे सहमत थी और उनसे बहुत स्नेह रखती थी, क्योंकि वो गरीब जनताओं का दुख दर्द को सुनते थे, समझते थे। वो कारण था कि वो पूर्ण मोहम्मद से इटावा से या कहीं से भी जीतते थे। आज उनके निधन होने के बाद, जैसा कि अभी अपने मैनपुरी के रिपोर्टर ने बताया कि जैसा कि जो मुलायम सिंह यादव का निधन होने के बाद जो मैनपुरी सीट थे डिंपल यादव की 2,25,000 के समथिंग उनकी जीत होती है, पर अब इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि यादव पक्ष की अगर बात की जाए तो यादव पक्ष का कम से कम 30-35% वोट अब बीजेपी के लिए हो चुका है, क्योंकि कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, कई ऐसी आम जनता है। तो आज भी बीजेपी का अपने अपने मतलब की आवाज से बीजेपी के बोल बोल रही है।
और वही कुछ 10-20% का मुस्लिम समाज के जो महिलाएं हैं उनके भी चेहरे पर एक ही बात सामने निकल के आ रही है कि अखिलेश जी ने हम लोगों की कभी भी कोई भी मदद नहीं की है। जी बिल्कुल जीत, मैनपुरी में आज चुनाव हो रहा है और मैनपुरी हाई प्रोफाइल सीट में आती है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैनपुरी और कन्नौज ऐसी दो सीटें बने जो पूरे देश में एक बड़े अंतर की जीत वाली सीटें हो और इन दो सीटों की चर्चा हो, जहां एक सीट से वो खुद लड़ रहे हैं और दूसरे से उनकी पत्नी लड़ रही हैं, जहां पर बीजेपी ने कई उनके ऊपर आरोप लगाए कि ये गुंडागर्दी की पार्टी है और बहुत सारी चीजें। जब जनता के बीच जब हम गए तो हमने जाना, जनता ने कहा कि हम सपा में ही वोट देंगे, लेकिन कई लोगों ने कहा कि अब यादव जो बात बार बार उठाई जाती है कि यादव समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, वो भी अब समझ चुके हैं कि ये अपराधियों की पार्टी है, इसलिए वो बदलाव चाहते हैं। क्या इस तरीके की मानसिकता मतदान में देखने को मिल रही है? जी जीत, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही है। जी समय बिल्कुल, हम आपको बता दें अगर मतदान की बात की जाए तो यहाँ पर जो मतदानदाता है यहाँ पर लगातार वो और वोट डालने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो जो ठाकुर जयवीर सिंह है लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन कई यादव हैं जो भाजपा में शामिल भी हुए हैं। अगर बात की जाए तो लगभग कम से कम 500 के रिबन में यादव जो शामिल हुए हैं, हर वो जब भी भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह गए हैं तो वहां पे यादव समाज उनपे शामिल हुआ है। तो अभी हाल ही में एक जिला पंचायत सदस्य यादव, वो सॉरी जिला पंचायत सदस्य थे सब समाजवादी पार्टी के, वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जो यादव फैक्ट है चार भाजपा में शामिल हो रहा है, तो इस बार लग रहा है कि कोई ना कोई, यानी कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस पर असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के तीसरा चरण पे लगातार मतदान जारी है और इस मतदान, ये जो तीसरा चरण है इसमें जहां दो मंत्रियों की किस्मत दांव पे लगी हुई है, तो कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को बचाने के प्रयास में है, तो कोई अपनी सियासी जमीन को बनाने के प्रयास में है। अब कौन क्या कर पाता है ये तो नतीजे आने के बाद ही तय हो पाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आने वाला चौथा चरण है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी इस चौथे चरण को अपनी मजबूती देखती है इस चौथे चरण में, लेकिन इस बार गठबंधन में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी की जो मजबूती है उसको हिलाने का और उखाड़ने का काम किया जाए। हमारे साथ जीत प्रताप और प्रमोद जुड़े हुए थे, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, हम इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं और हमने खबर भी आपको बताई कि बदायूं में किस तरीके से BLO के पर्चे पूरी लिस्ट छीन ली गई और SHO ने छीनी, उसके बाद चाहे वो आदित्य यादव हो चाहे शिवपाल सिंह यादव, दोनों ने बयान दर्ज करे, चुनाव आयोग से शिकायत करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, जहां एक तरफा चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वहीं हमने कई जगहों से ऐसी खबरें भी सुनी जहां लोग चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, अपने मताधिकार का बहिष्कार कर रहे हैं, मतदान नहीं करना चाहते। उनका कहना है जब तक हमारी समस्याएं पूरी नहीं होंगी हम तब तक मतदान नहीं करेंगे, जो इस मतगणना के महापर्व पर एक बड़ी समस्या भी है। लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे इन्हीं खबरों से और साथ ही साथ फाइनल अपडेट भी हम आपको देंगे कि कितने प्रतिशत इस बार उत्तर प्रदेश में मतदान हुए हैं। इतना ही, बने रहिए ABC News के साथ। नमस्कार।